है, उसके जो प्रोपाइटर है। आवेदन किस आदेश से अलग हुआ आवेदन अमेंडमेंट का, इसलिए हमने कहा था एक वकील साहब एंगेज कर लीजिए आप, ताकि आपको हर कदम पे दिक्कत आएगी और हमारा समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। ये कहा कि ये नाम जुड़वा दिया, कहाँ जुड़वाया, अभी तो अग्रीमेंट हो ये इसमें ये हमने ये जो दिया है ना ऐसा बोलिए कि एप्लीकेशन पेश किए एप्लीकेशन सर पेश कर दी गई है सर। अमेंडमेंट की। हाँ ये अब सब हम आपने बोला कि नाम जोड़ दिया, तो हम इधर सामने देख रहे हैं कहाँ जोड़ा, नाम जोड़ा हाँ ही नहीं। इसमें इसीलिए वकील साहब लगा लीजिए, तो ताकि आपको ये छोटी छोटी चीजों में परेशानी नहीं आएगी और हमें भी नहीं आएगी परेशानी। हमें समझने में बहुत दिक्कत होती है, जिनको कुछ मालूम ही नहीं है प्रोसीजर लॉ मालूम नहीं, उनसे सुनने में बड़ी दिक्कत होती है। आपको इनको ऐड कर माय लॉर्ड, माय फाइव सब शॉर्ट सबमिशंस आर देयर। ही इज ए मिस्चीवियस एंड नोटोरियस मैन। एज मेनी एज 14 केसेस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट, क्रिमिनल केसेस वर रजिस्टर्ड, एंड ही अगेंस्ट हैज हिम। रिसेंटली बीन ग्रांटेड बेल बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड एन ऑफेंस अंडर 327 ऑफ द आईपीसी। ये 13 केस आपके खिलाफ पेंडिंग है। सर कोई भी पेंडिंग नहीं है जिसका हाँ, हमने देयर अभी बिन उसके सबूत हम पेश कर देंगे। किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं है। अभी अगर ये मुझे मालूम होता तो मैं सभी लेके आता सर। मेरे पास में सभी दस्तावेज है अभी ये तक। पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। जो आपकी जो प्रेयर है ना, 10 10 प्रेयर्स हैं, 8 10 प्रेयर्स, हाँ वो एक भी दे नहीं सकते, इसमें ग्रांट नहीं कर सकते। सर, इसमें इनको हमने सभी आवेदन दिए हैं अगर आप चाहें तो इसको विड्रॉ करके किसी वकील साहब से ठीक से ड्राफ्ट सर। करवाएं, जिसमें आपको रिलीफ मिले। क्या मेरे को सुनिए ना सर, मैंने सबका करना आवेदन है, देख लिया सब, पिछले बार भी सुना आपको आधा घंटा। नहीं तो आपने कहा था कि उसी टाइम सर मेरे अरे पास अभी भी अधूरा है वो, सिर्फ नाम जोड़ देने से नहीं होगा, उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। डी कराना है, सीबीआई को रेफर करना है, तो ये पार्टी बाय नेम बनाएंगे ऑफिसरों को। उनको तो सर मैंने पत्र लिखे, सभी पत्र इसी में हमें रखे हैं, अरे इसी में देखिए ज्वाइन करे हैं सर। हमने कई बिना वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू एक्सप्लेन हिम, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। हाँ ही वोंट अंडरस्टैंड। यस बोलिए बोलिए। सर, आप क्या 29/7/2024 के आदेश के परिपालन में आपके जो 4 पार्टियों को पक्षकार बनाया गया बाद में, वो हमने दिया है, और अभी तक जो हमने दस्तावेज पेश किए हैं सर, उसमें किसको बनाया पार्टी आपने? हमने बनाया है इसको गुरु कृपा बायोफ्यूल एलएलपी का फर्म है, उसके जो प्रोपाइटर है। आवेदन किस आदेश से अलग हुआ आवेदन अमेंडमेंट का, इसलिए हमने कहा था एक वकील साहब एंगेज कर लीजिए आप, ताकि आपको हर कदम पे दिक्कत आएगी और हमारा समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। इसके बाद कर लेंगे सर। इसके बाद नहीं, अभी बताइए, हाँ आपको लास्ट टाइम ही बोला था। नहीं तो दूसरे पे उस पे कर ही रहे हैं ना सर। हम बस हम करने को तैयार है ना सर। नहीं, आपने कहा कि नाम जुड़वा दिया, कहाँ जुड़वाया, अभी तो अग्रीमेंट ये हो। इसमें ये हमने ये जो दिया है ना एप्लीकेशन ऐसा बोलिए कि एप्लीकेशन पेश किए सर पेश कर दी गई है सर। अमेंडमेंट की। हाँ ये अब सब हम आपने बोला कि नाम जोड़ दिया, तो हम इधर सामने देख रहे हैं कहाँ जुड़ा, नाम जुड़ा ही नहीं। इसमें इसीलिए वकील साहब लगा लीजिए, तो ताकि आपको ये छोटी छोटी चीजों में परेशानी नहीं आएगी और हमें भी नहीं आएगी परेशानी। हमें समझने में बहुत दिक्कत होती है, जिनको कुछ मालूम ही नहीं है प्रोसीजर लॉ मालूम नहीं, उनसे सुनने में बड़ी दिक्कत होती है। नाउ वी आर अमेंडिंग, वी द रजिस्ट्रार हैज टू सर्टिफाई दैट ही इज फिट टू आर्ग्यू द केस, ही नोज द प्रॉपर फैक्ट्स ऑफ दिस केस, अदरवाइज वी कैन नॉट हियर एवरीबॉडी। इसमें हमने बनाया है गुरु भाई इनको संदीप जुनेजा जी को से, जिसने मल्टी बिजनेस जो 2023 में थी उसके उसकी क्या पर। कहना, आपको इनको ऐड कर दें। माय लॉर्ड, माय फाइव सब शॉर्ट सबमिशंस आर देयर। ही इज ए मिस्चीवियस एंड नोटोरियस मैन। एज मेनी एज 14 केसेस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट, क्रिमिनल केसेस वर रजिस्टर्ड, एंड ही अगेंस्ट हैड हिम। रिसेंटली बीन ग्रांटेड बेल बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड एन ऑफेंस अंडर 327 ऑफ द आईपीसी। नाउ सेकेंडली माय लॉर्ड, देयर इज इफेक्ट ऑफ नॉन जॉइंडर ऑफ द एसेंशियल पार्टीज। Now, if my lord would peruse the relief clause, these reliefs cannot be granted. Kindly peruse the relief clause only. He is seeking CBI inquiry. Now, he is to point out the malafide on part of the police officers first. Secondly, my lord, he says that the license be cancelled. How the license can be cancelled in the PIL? Now, thirdly, my lord, he says के the against the officers DE be initiated. अब इन सर्विस पिटीशन मान लो तो PIL can not said to be maintainable.
दिस हैज बीन फाइल्ड मतलब एक्सक्लूसिवली फॉर गेनिंग पॉलिटिकल माइलेज एंड ही इज अ नोटोरियस मैन मतलब डी रिसेंटली डी अगेंस्ट द ऑफिसर्स डी अगेंस्ट द ऑफिसर्स विदाउट इंक्लूडिंग देम बाय नेम बाय नेम यू दिस नॉट अंडरस्टैंड यू वोंट अंडरस्टैंड एज इन द कैपेसिटी होल्डिंग द पोस्ट वी कैन नॉट डायरेक्ट अनलेस वी हियर देम This issue has already been decided by the Honorable Court, my lord, number of times. And my lord, the conduct of the petitioner is very important to be taken with heavy hands, my lord. ये तेरा केस आपके खिलाफ पेंडिंग है सर कोई भी पेंडिंग नहीं है जिसका उसके सबूत हम पेश करते हैं किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं है अभी अगर ये मुझे मालूम होता तो मैं सभी लेके आता सर मेरे पास में सभी दस्तावेज है ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है जो आपकी जो प्रेयर है ना दस दस प्रेयर्स हैं 8-10 प्रेयर्स हाँ वो एक भी दे नहीं सकते इसमें ग्रांट नहीं कर सकते सर इसमें इनको हमने सभी आवेदन दिए अगर आप चाहे तो इसको विड्रॉ करके किसी वकील साहब से ठीक से ड्राफ्ट करवाए जिसमें आपको रिलीफ मिले मेरे को सुनिए ना सर मैंने सब क्या करना है लिख लिया सब पिछले बार भी सुना आपको आधा घंटा नहीं तो आपने कहा था कि उसी टाइम सर अरे अभी भी अधूरा है वो सिर्फ नाम जोड़ देने से नहीं होगा उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको डी कराना है सीबीआई को रेफर करना है कोई पार्टी बाय नेम बनाएंगे ऑफिसरों को तो उनको तो सर मैंने पत्र लिखे सभी पत्र इसी में हमें रखे हैं इसी में ज्वाइंट करे हैं सर हमने कहीं वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू एक्सप्लेन हिम ही विल नॉट अंडरस्टैंड हां ही विल अंडरस्टैंड ठीक है आदेश पास करते हैं आपकी पिटीशन पे नेक्स्ट 29